हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 29th of September 2023 एंड आज के सेशन में हम लोग 28th एंड 29th of September 2023 के करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन मैं शुभदीप आप साहब के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहला आज हम लोग न्यूज़ देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस का। वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड ये न्यूज़ है क्योंकि फिफ्थ वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया गया है। किसके द्वारा? बाई इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस का बॉडी है और इसका मेन फोकस यही है दैट कैसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कॉफ़ी को दुनिया भर में हमें हाईलाइट कर सके। सो यस, ये पहली बार हो रहा है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट कोई भी एशियन कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री इसको होस्ट कर रहा है। एंड वन ऑफ द की टॉपिक जो कि इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस में वो है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये देखो, अपने आप में वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस तो एक न्यूज़ है ही, बट रीजनरेटिव एग्रीकल्चर भी अपने आप में एक न्यूज़ है क्योंकि ये किस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर पता है? ये एक होलिस्टिक फार्मिंग अप्रोच है जो क्या मेन एम्फेसाइज करता है दैट सॉइल हेल्थ, फूड क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी, वाटर क्वालिटी और एयर क्वालिटी, इन सबको कैसे एक साथ मेंटेन करे। मतलब एग्रीकल्चर तो करे बट ऐसा एग्रीकल्चर करे जो कि होलिस्टिक इन नेचर हो, जिसका एम्फेसिस हो सॉइल हेल्थ, फूड क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी, वाटर क्वालिटी और एयर क्वालिटी में। ठीक है, तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर ये एक होलिस्टिक फार्मिंग अप्रोच है जैसे कि मैंने बोला, जो क्या इन सारे फैक्टर्स पर एम करती है और इसका मेन एम यह भी होता है दैट कैसे रिसोर्सेज को इन्हांस करे रादर देन डिप्लीटिंग देम। मतलब इसमें जो कौन कौन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट रीजनरेटिव एग्रीकल्चर सक्सेस हो? जी हाँ, कंजर्वेटिव टिलेज को, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, सॉइल कवर को एंड इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ स्टॉक। यस, लाइफ स्टॉक का भी इंटीग्रेशन करके मेक श्योर किया जा सके दैट एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी हो वो मैक्सिमाइज किया जा सके और वो सस्टेनेबल भी हो। नेक्स्ट हिंदू का ये न्यूज़ है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जस्टिस गीता मित्तल कमेटी के बारे में। एज सच ये न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट हाँ अभी के कंटेक्स्ट में ये इम्पोर्टेंस न्यूज़ है। पूछो क्यों? क्योंकि मणिपुर के एथनिक वायलेंस केस के रिलेटेड है। देखो, सुप्रीम कोर्ट में कुछ कुछ पिटिशनर्स ने पिटिशन फाइल किया था मणिपुर के एथनिक वायलेंस केस को लेकर, तो वो बोल रहे थे क्या दैट इट कैन नॉट ओवरसी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड इनकरेज पिटिशनर टू प्लेस द ट्रस्ट इन जस्टिस गीता मित्तल कमेटी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था देखो भाई, हम लोग तो एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरसी नहीं कर सकते हैं और आपको अपना ट्रस्ट जो है जस्टिस गीता मित्तल कमेटी के ऊपर दिखाना ही पड़ेगा बिकॉज दैट कमेटी हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द सेम। राइट, देखो ना ये लिखा भी हुआ, जस्टिस गीता मित्तल कमेटी जो है ना इसको एस्टेब्लिश ही किया गया था भाई सुप्रीम कोर्ट, और इनका काम क्या था दैट रिलीफ और रिहैबिलिटेशन एफर्ट मणिपुर में चालू किया जा सके। राइट, तो ये मतलब ये जो कमेटी है इसलिए गठन किया गया था ना। इशू में जो है क्या क्या है देखो, अब ये क्या है दैट इन्होंने क्या क्या फोकस की जाने बोल रहे जा रहे हैं दैट इस जो एथनिक वायलेंस केस जो हुआ है, राइट, इसके बॉडीज का हैंडल कैसे करी किया जाए, राइट, कॉम्पनसेशन कितना मिलना चाहिए वैसे लोगों के फैमिली को जिनके फैमिली के मेंबर्स मर गए हैं, राइट, आधार कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट टू द डिस्प्लेस्ड इंडिविजुअल्स, क्या वो पॉसिबल है? क्या अगर है तो कैसे पॉसिबल है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग्स एंड होम्स जिसका जो हमें डैमेज किया गया था बाई वायलेंस, वो सब के बारे में, और फाइनली स्टेट में कोर्ट्स के फंक्शनिंग के बारे में। इन सारे ऐसे कुछ कुछ फैक्टर्स है जिसको फोकस किया गया है इसके दौरान। राइट, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो और सैनिटेशन जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल किसके लिए? गोवर्धन के लिए, जो क्या सिंप्लीफाई कर रहा है रजिस्ट्रेशन कॉम्प्रेस बायोनेचुरल बायोगैस का और बायोगैस प्लांट्स अक्रॉस इंडिया का। तो ओवर बोला जा रहा है दैट 1163 बायोग्लास गैस प्लांट और 426 जो है आपका जाके अल्टीमेटली ये कंप्रेस्ड बायोगैस नेचुरल प्लांट जो है इनको सक्सेसफुली रजिस्टर किया गया है इस पोर्टल में जिसका नाम है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन। राइट, और ये रजिस्ट्रेशन प्लांट जो है ये एलिजिबल है फॉर द असिस्टेंस अंडर मार्केट डेवलपमेंट स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर
मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड एग्रीकल्चर। तो सवाल होता है ये मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम जिसमें ये जो बायोगैस प्लांट और कंप्रेस बायोगैस प्लांट एलिजिबल है, तो ये है क्या ये स्कीम? देखो, इसको लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के द्वारा, पता है इस स्कीम को। और इस स्कीम का मेन एम क्या था? इसका मेन एम यही था दैट कैसे प्रोमोट किया जा सके प्रोडक्शन और एडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसको जनरेट किया जाता है फ्रॉम द गोवर्धन प्लांट। तो इसका मतलब बेसिकली ये मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम जो है ये क्या करती है, ये सीख करती है टू इनकरेज द सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को। इनका काम है टू रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर और साथ ही साथ टू बूस्ट द यूज ऑफ बायोस्लरी इन द एग्रीकल्चर, राइट। और गोवर्धन इनिशिएटिव की अगर बात करें, यस, इसके देखो तो आपको बहुत बार हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है दैट इसका एम क्या है। यस, इसका एम है दैट ट्रांसफॉर्म कैसे हम लोग करें ऑर्गेनिक वेस्ट को इंक्लूडिंग कैटल डंग एग्रीकल्चर रेसिड्यू एंड बायोमासेस को इनटू अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। और वैल्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? यस, बायोगैस इज अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज, कंप्रेस बायोगैस, ऑर्गेनिक मैन्योर, यही तो बोला जा रहा है ना। ऑर्गेनिक वेस्ट को कैसे, मतलब कैसे हम लोग वेस्ट से वेल्थ को क्रिएट कर सके, यही तो इनिशिएटिव है, गोवर्धन का एम है। ये इनिशिएटिव सपोर्ट करती है हाई वैल्यू बायोगैस और कंप्रेस बायोगैस प्रोडक्शन को और प्रमोट करती है यूज ऑफ बायोस्लरी जिससे इंप्रूव किया जा सके सॉइल हेल्थ, कार्बन कंटेंट और वाटर रिटेंशन को। आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग पीआईबी का ये न्यूज़ इंडियन स्टैंडर्ड ऑन बायोफ्यूल के बारे में, क्योंकि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है इन्होंने अनाउंस किया है दैट देखो इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑन बायोफ्यूल जो है वो सिग्निफिकेंटली सपोर्ट करेगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इन्होंने 9 इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑन बायोफ्यूल्स यू नो स्पेसिफाई किए हैं जिसमें इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस, बायोडीजल से डीजल फ्यूल प्लांट्स है ना, हाइड्रस इथेनॉल, E85 फ्यूल, E20 फ्यूल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो क्या कंटेन करता है सिंथेसाइज हाइड्रोकार्बन और इथेनॉल एज अ फ्यूल फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन पावर्ड व्हीकल। मतलब बायो, अब देखो ये जो 9 इंडियन स्टैंडर्ड बायोफ्यूल घोषित किया ना, तो ये यूज किए जा सकेंगे स्पार्क इग्निशन इंजन पावर्ड व्हीकल्स में। एडिशनली ये भी बोला गया है दैट ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये वर्क कर रही है विद स्टैंडर्ड फॉर पैराफिन डीजल जिसको डिराइव किया जाता है बाय सेकंड जनरेशन फीड स्टॉक के थ्रू। तो ये न्यूज़ में था। नेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन पावर बस जो क्या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ने इंट्रोड्यूस किया है। ये इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पावर बस जो क्या एमिट की बैक पता है क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर को एज अ बाय प्रोडक्ट। सो यस, ये फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज हो सकता है। सो यस, ग्रीन हाइड्रोजन ये एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एमिट करती है वाटर वेपर व्हेन बर्नड एंड इट हैज 3 times द एनर्जी डेंसिटी ऑफ अदर फ्यूल्स। मतलब टेक्निकली कैलोरीफिक वैल्यू अगर देख लीजिएगा बहुत ज़्यादा है इसका। इनफैक्ट ये रिक्वायर करती है मात्र 50 यूनिट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और 9 kg ऑफ डी आयोनाइज वाटर जिससे ये आराम से प्रोड्यूस कर सकती है 1 kg ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोले वेटलैंड के बारे में। कोल वेटलैंड ये केरला में है, ये एक इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट रामसार साइट है और इसको जाना ही जाता है इसके हाई बायोडाइवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है। सो अब ये कोले वेटलैंड जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा थ्रेट फेस कर रही है फ्रॉम द इन्वेजिव एलियन प्लांट स्पीशीज जिसका नाम है कमोबा फुरकुटा, ठीक है। इसको हम लोग पिंक ब्लूम के नाम से भी जानते हैं। ये कोल वेटलैंड है कहाँ? इस वाले पोजीशन में ये कोल वेटलैंड है ना। और देखो यही दिस इज वन इज अ कोल वेटलैंड। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज मतलब कोई एक ऐसा स्पीशीज जो कि बाहर से लाया गया यहाँ पर और वो इन्वेड कर रहा है। इन्वेड मतलब वो स्पीशीज अगर इस रीजन में आ जाए ना तो पहले से जो स्पीशीज ऑलरेडी यहाँ पर है उस स्पीशीज को जीने नहीं देगी, क्योंकि सोचो पहले से स्पीशीज ए यहाँ पर है, पहले से स्पीशीज बी है, सी है, डी है, तो ये स्पीशीज अगर ऑलरेडी इस रीजन में है ना तो क्या होगा दैट दूसरे सोचो बाहर से अगर स्पीशीज आया तो वो क्या करेगा, इस स्पीशीज का खाना, इस इसका खाना, इसका खाना, इसका खाना खुद से खा लेगा, तो इस स्पीशीज को सर्वाइव ही नहीं मिलेगा। मतलब टेक्निकली बाहर से अगर एक स्पीशीज आया तो क्या हो गया, यहाँ पे कॉम्पिटिशन हुआ है ना। और हम लोगों ने, आप लोगों ने देखो इन्वायरमेंट इम्यूनोलॉजी पढ़ा है ना, तो आप लोगों ने बायोटिक इंट्रैक्शन तो पढ़े होंगे। कोई भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में बायोटिक इंट्रैक्शन कैसे होता है, म्यूचुअलिज्म होता है, कंपटीशन होता है। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म का नुकसान होता है, तो यहाँ पर भी तो वही कॉम्पिटिशन हो रहा है ना। ये जब यहाँ पर आ रहा है ना तो इन सब के साथ कॉम्पीट हो रहा है जिसके कारण
देखो टेक्निकली इसको भी पूरा खाना नहीं मिलेगा और इसको तो इसका तो खाना जा ही रहा है, तो इसका भी लॉस और इसका भी लॉस। सो दिस इज द कॉम्पिटिशन जो कि आपको देखने को मिला। और कोलो वेटलैंड क्योंकि अपने आप में फैक्चुअल चीज है, तो यस वी शुड हैव द नॉलेज अबाउट इट, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट इज तीन नीलगिरी तार के बारे में। नाउ क्यों न्यूज में था, क्योंकि तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो प्लान कर रही है एक कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस किया जाए केरला में नीलगिरी तार को रिलेटेड। नीलगिरी तार अराउंड बोला जा रहा है वेस्टर्न घाट रीजन में रफली अराउंड 3100 से के आसपास अराउंड नीलगिरी तार हमें स्पीशीज देखने को यहाँ पर मिल रहा है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कहा जा रहा है ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा नीलगिरी तार के सेंसस के लिए, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इज इट विल कैरी फॉरवर्ड। तो नीलगिरी तार के अगर बारे में बात करें, ये एकमात्र माउंटेन अनग्यूलेट है इन द सदर्न इंडिया एमंग द 12 स्पीशीज जो कि अभी तक प्रेजेंट है इंडिया में। इसकी पॉपुलेशन अगर जगह जैसा कि मैंने बोला ही दैट 2015 के WWF एस्टिमेट्स के अराउंड 3000 के आसपास है और ये एंडेमिक है सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट में इसको वड़ा आलू भी बोला जाता है। इसका थ्रेट क्या है, मेन थ्रेट हैबिटेट लॉस और लोग इसको हंटिंग भी कर रहे हैं और अनडाउटेडली ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है जिसका IUCN रेड डेटा लिस्ट स्टेटस अगर देख लीजिएगा वो क्या है, इनडेंजर्ड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत ड्रोन शक्ति 2023 के बारे में। देखो पहला एवर दिया यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एवर ड्रोन एग्जीबिशन और डिस्प्ले जिसका नाम है भारत ड्रोन शक्ति 2023। इसको इनॉग्रेट किया गया भाई इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर, कहाँ पर, हिंदन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। तो ये इवेंट जो है जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें शोकेस किया जाएगा रफली अराउंड 75 ड्रोन स्टार्टअप्स को फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया। और इसमें जो है डिस्प्लेस किए जाएंगे ड्रोन्स जिसके एप्लीकेशंस हैं दोनों मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन सेक्टर्स में, और इसका एम है दैट सपोर्ट किया जा सके गवर्नमेंट इनिशिएटिव जिससे इस्टेब्लिश किया जा सके इंडिया को एज अ मेजर ड्रोन हब बाय द ईयर 2023। इसीलिए आप देख रहे हो ड्रोन सेक्टर्स, हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं, बाहर से जो इम्पोर्ट ड्रोन का इम्पोर्ट वो बंद कर दिया गया है एक्सेप्ट फ्यू मिलिट्री इम्पोर्ट्स। और कहीं ना कहीं अगर आप शेयर मार्केट भी अगर नज़र रखते हो तो वहाँ पर भी आप देखिएगा दैट ड्रोन के रिलेटेड जो शेयर मार्केट कंपनीज है ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में लिस्टअप भी हो रही है, राइट। नेक्स्ट यूजिंग न्यूज़ पेपर फॉर फूड पैकेजिंग, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं FSSAI, इन्होंने अर्ज किया है कंज्यूमर और फूड वेंडर्स को दैट प्लीज स्टॉप कीजिए यूजिंग न्यूज़ पेपर पैकिंग मटेरियल के लिए सर्विंग या फिर फूड को स्टोर करने के लिए। नाउ सवाल होता है दैट क्यों ये लोग FSSAI मना कर रही है, क्या इसमें कुछ नुकसान होता है? जी हाँ, देखो न्यूज़पेपर में जो इंक होता है ना वो कॉन्टामिनेट कर जाता है आपके फूड के साथ, दैट इज न्यूज़पेपर कंटेन इंक जिसमें बायो एक्टिव मटीरियल होते हैं जो कि आपके फूड को कॉन्टामिनेट कर सकता है। और वही अगर कंटामिनेटेड फूड आप पेट में खाओगे तो आपका क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा ना। रिसाइकल्ड पेपर बॉक्सेस भी बहुत समय कंटामिनेंट्स होते हैं जिससे ऐसे मिनरल ऑयल्स या फिर केमिकल्स जो क्या अगेन अगर आप फिर से अगर उसको खाओगे तो आपके पेट में वो केमिकल्स चली जाएंगी जिससे क्या आपका लॉन्गर रन में आपको कैंसर या फिर कुछ पेट की बीमारियां भी हो सकती है, राइट। वल्नरेबल ग्रुप जैसे एल्डरी पीपल ले लीजिए, दोज विद वीकेंड इम्यून सिस्टम, ये लोग तो और भी ज़्यादा ग्रेटर रिस्क है रिगार्डिंग द कैंसर रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, राइट। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक स्कीम के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है RODTEP स्कीम, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट इस RODTEP स्कीम को एक साल के लिए और भी एक्सटेंशन दिया जाए। तो सवाल हो सकता है RODTEP स्कीम है क्या, इसका फुल फॉर्म है क्या? इसका फुल फॉर्म है रेमिशन ऑन ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, मतलब नाम से ही समझ गए होंगे दैट ये एक्सपोर्टर्स को रिफंड कर देती है टैक्स या फिर ड्यूटीज या फिर लेवाइज जो भी इनकर किया गया उनके द्वारा ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, है ना। नाउ ये जो मूव है कहा जा रहा है दैट ये एक्सपोर्टिंग कम्युनिटीज को बहुत ज़्यादा असिस्ट करेगा और इंडिया से एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये कहीं ना कहीं बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है दैट नेक्स्ट समय ये वाला एग्जाम में आपको पूछा जाएगा सोशल बॉन्ड। अभी तक एग्जाम में इसमें क्या पूछे जाएंगे, ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में पूछा गया, ब्लू बॉन्ड्स के बारे में पूछा गया, मसाला बॉन्ड्स के बारे में पूछा गया, तो सोशल बॉन्ड क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? यस सोशल बॉन्ड क्यों न्यूज में था, क्योंकि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने सक्सेसफुली रेज किया है रफली अराउंड 1000 से भी ज्यादा करोड़
5 ईयर सोशल बॉन्ड के थ्रू। सो ये क्या है, ये एक टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या फिर इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी हम इसको बोल सकते हैं, जो कि इशू किया जाता है या तो गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कंपनीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जिससे वो कैपिटल को रेज कर सके। और ये एस कैपिटल किस लिए रेज किया जाता है, ऑफकोर्स सोशल या फिर इन्वायरमेंटल पर्पसेस के लिए। ये बॉन्ड जो है ये टिपिकली डिज़ाइन किया गया जिससे फंड किया जा सके प्रोजेक्ट्स, और ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो क्या ओवरऑल सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाए, ओवरऑल इससे सोशल या फिर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट के बारे में। तो ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि ये एनुअल कोलाबोरेशन है बिटवीन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी और यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस के अंडर। ये रिपोर्ट इवेल्युएट क्या करती है, ये प्रोग्रेस को इवेल्युएट करती है ओवर द प्रायोरिटी एरिया सिंस द ईयर 2022। मतलब ये काइंड ऑफ ग्लोबल कोलाबोरेशन है जो क्या रिकमेंड करती है वेरियस कंट्रीज को, दैट कंट्रीज को एक साथ आना चाहिए एक और एक साथ काम करना चाहिए जिससे रिड्यूस कर किया जा सके एमिशंस ओवर द नेक्स्ट डिकेड, आने वाले 10 साल में। जिससे अगर एमिशंस, अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस होगा तो ऑब्वियस सा बात है वर्स्ट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो कि हम लोग फेस करने वाले वो नहीं करेंगे। ये रिपोर्ट कहने के एक्नॉलेज करता है एक्सेलरेटिंग ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन इन वेरियस सेक्टर, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजीज जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर फोटोवोल्टाइक, ये सब कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें ये रिपोर्ट एक्नॉलेज करती है दैट जी हाँ ट्रांजिशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट अगर हो गया तो यस हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं दैट आने वाले समय में हमारी फ्यूचर जो है वो सस्टेनेबल हो सके। हाउएवर कुछ कुछ हाई एमिशन और चैलेंजेस है दैट कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर कार्बोनाइजेशन को डिकार्बोनाइज नहीं किया जा सकता, जैसे स्टील, हाइड्रोजन, एग्रीकल्चर, इन सबको डिकार्बोनाइज नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट ये रिपोर्ट हाईलाइट भी करती है दैट एक मॉडेस्ट प्रोग्रेस जरूर हुआ है इन स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल कोलाबोरेशन ओवर द पास्ट ईयर्स, बट यस अभी भी कोलाबोरेशन और भी हमें स्ट्रेंथन करने की आगे में जरूरत है। सो एनीवेज दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर लास्ट टू डेज वाला करंट अफेयर्स कल का और आज का। मिलते हैं कल विद न्यू सेट्स ऑफ करंट अफेयर्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।